नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है भैया, बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही खराब लग रहा है। और आप लोग को भी खराब लगेगा भैया, और आप लोग को लगा भी होगा, क्योंकि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के एक जबरदस्त और बहुत ही अच्छे सुरीले कलाकार, जिनका नाम था भैया गोलू राजा, गोलू राजा, उनका एक से एक गाना भैया मार्केट में हिट हुआ, और सारा गाना एकदम जो जो गाना हिट हुआ गर्दा उड़ा के रख दिया है, बहुत ही जबरदस्त। कल रात की बात है भैया, 3 या 4 बजे सवेरे उनको स्टेज शो कर रहे थे, वो बलिया के किसी जिले में कहीं पे स्टेज शो कर रहे होंगे, उनको गोली मार दिया गया। बताइए क्या कलाकार से क्या दुश्मनी भैया। कलाकार का कोई जात पात नहीं होता है, सिर्फ कलाकार को पब्लिक का आशीर्वाद चाहिए, बस वही उसके लिए सब कुछ है। अब उनको भैया 2 गोली लगा है, एक गोली हाथ में लगा बांह में, और एक गोली जो भैया छाती में लग गया है। बहुत ही दुख वाली बात है, उनको बनारस रेफर कर दिया गया है। और बस जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी गोलू राजा के फैंस हैं, जितने भी भोजपुरी बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बस आप लोग अब एक ही दुआ कीजिए कि गोलू राजा फिर से अपने पाँव में खड़े हो जाए, और जिस तरह पब्लिक को मनोरंजन करवाते थे, जिस तरह भजन लोकगीत गाते थे, फिर उस तरह वो गाएं। क्योंकि भैया इतने कम समय में इतना मतलब अच्छा मुकाम तक पहुंचना, ये बहुत ही समझ लीजिए कठिनाई, इतना कठिनाई करके पहुंचा, उसके बाद क्या दुश्मनी है, नहीं दुश्मनी है भैया, वो तो अब गोलू राजा ठीक होंगे उसके बाद ही बताएंगे कि क्या कारण है, नहीं कारण है। बहुत ही खराब स्थिति है भैया, आप लोग से निवेदन है, ये बहुत ही गलत बात है किसी कलाकार के ऊपर आप गोली चला देते हैं महाराज। कलाकार क्या इसलिए, मतलब कलाकार किसके लिए, अपने घर के लिए नहीं होता कलाकार, कलाकार दूसरों के लिए इंटरटेन के लिए होता है, दूसरों को मनोरंजन करवाता है, वो कलाकार होता है भैया। क्या बोलिएगा भैया आप लोग, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी भोजपुरी बोलने वाले सुनने वाले आप सब से मात्र एक ही निवेदन है कि गोलू राजा के लिए आप लोग एक बार भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिए। हम तो भगवान बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना ही करते हैं कि जल्द से जल्द गोलू भाई ठीक हो जाए, और हमारा भी नाम आप लोग जानबे करते हैं गोलू बाबा भैया। तो आप सबों से निवेदन है गोलू भैया के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए कि जल्द से वो जल्द ठीक हो जाए गोलू राजा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही दुख वाली घटना है भैया ये, इस तरह का मतलब खेसारी लाल यादव इतने बड़े स्टार है, उनके साथ भी इस तरह हो गया एक बार वैशाली जिले में, आप लोग जानते होंगे कि पथराव हो गया था, उसके लिए खेसारी लाल यादव लाइव भी आए थे। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग प्रयास कीजिए कि इस तरह मतलब देखिए, जब तक प्रशासन वहां पे कड़ा नहीं होगा, या तो प्रशासन हल्के में स्टेज को लिया होगा, तब ना वहाँ पे कोई एकता नहीं होगा, मतलब सारा कुछ मतलब कुछ तो डिफॉल्ट होगा, तब तो वहाँ पे गोली चली। अब उतना भीड़ है भैया, गोली चला, अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो अब समझ रहे हैं ना कि कैसा माहौल होगा। आप सबों से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। अब भैया आप लोग का दुआ, दवा और दुआ दोनों काम आने वाला है, तो आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द गोलू राजा ठीक हो जाए, हम लोग के बीच में आए, फिर से गर्दा उड़ाए, और जो भैया इस तरह का काला कांड किया है, ऐसा मतलब क्या बोले हम वीडियो में, वो तो अभी मार दिया, चलिए उसको तरह बहुत अच्छा किए, लेकिन भगवान उसके साथ क्या करेगा वो तो भगवान ही जाने, और वो जाने, वो समय समय बताएगा। तो आप सबों से निवेदन है भगवान के से प्रार्थना कीजिए आप लोग कि जल्द से जल्द गोलू भाई ठीक हो जाए, और आप सबों से निवेदन से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सबों का राय हमारे कॉमेंट बॉक्स में आ सके। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।